आगे चलते लॉ नंबर सिक्स, लर्न टू आस्क द राइट क्वेश्चंस पीपल बाय बट डू नॉट लॉन्ग टू गेट सोल्ड। ये गेम खेले हो कोई मेरे साथ छोटी सी? सर मैं आपको एक पर्चा लिख के दे रहा हूं। ताश खेलने किसको आती है सर? पत्ते पता कितने होते हैं? बस ये पत्ता रख लो आप, यहां इतनी मदद कर लो। आते हैं सर? यस। किसको आते हैं पत्तों के बारे में, किसको पता? ताश के खड़े हो जाओ सर। सर जोरदार क्लैपिंग सर के लिए, क्योंकि सर पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे साथ। सर ताश में कितने पत्ते हैं, क्योंकि वक्त कम है, 60 बंदा हुआ है तो सर जल्दी जल्दी चल रहे हैं। 52। लाल कितने, काले कितने हैं? 26। लाल रंग में से और काले रंग में से कोई एक रंग चुनना, तो कौन सा चुनोगे? काला। आपने काला रंग चुना, इसको आपके पास रख देते हैं। बचा क्या आपके पास? लाल रंग। लाल रंग में दो तरह के डिजिट होते हैं, इंट और हार्ट्स। इंट और हार्ट में से, डायमंड एंड हार्ट्स, इनमें से कोई एक चुनना, तो कौन सा चुनेंगे? हार्ट चुनेंगे। हार्ट तो आपने चुना है, इसके पे बात करते हैं। ईंट को उठा के साइड में रख देते हैं। हार्ट के अंदर 13 पत्ते हैं, 1 से लेकर 13 तक। कोई 6 पत्ते चुनने, कौन से चुनेंगे? कोई भी 6। सर पहले तो 3 फेस कार्ड, अपन गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, तिग्गी, सत्ता, ए 3 7 जे क्यू के, ये आपने चुन लिए सर। इनको आपके हाथ में रखते हैं, बाकी को साइड में रखते हैं। इन 6 पे बात करते हैं। आपके हाथ में इस टाइम ए 3 7 जे क्यू के। अब इनमें से कोई 3 पत्ते चुनने, कौन से चुनेंगे? इक्का, बेगम, बादशाह। इन 3 पत्तों को आपने चुन लिया, बाकी को साइड में रखते हैं। आपके हाथ में 3 पत्ते हैं, इक्का, बेगम, बादशाह। कोई 2 पत्ते चुनने, कौन से चुनेंगे? इक्का, बादशाह। इनको आपने चुन लिया, इनको साइड में रखते हैं। आखिरी पत्ता कौन सा बचा आपके हाथ में? इक्का और बादशाह चुना था आपने, इनको साइड में रख दिया। आखिरी पत्ता कौन सा बचा? बेगम, क्वीन ऑफ हार्ट्स। सर ने बताया क्या है? क्वीन जो सुधा क्या है? क्वीन ऑफ हार्ट्स। अब सवाल ये है, ये इन्होंने खरीदा या मैंने बेचा? सवाल तो वो शुरू तो वो रहे थे सर। ये है लॉ नंबर 5-6। लर्न टू आस्क द राइट क्वेश्चंस। पीपल लव टू बाय बट नोबडी वांट्स टू गेट सोल्ड। कोई नहीं चाहता उनको आके बेच जाए, खरीदना सब चाहते हैं। तो इसीलिए बैठे सर, थैंक यू। जब मैंने इनसे पूछा लाल और काला, अब इस बात को बहुत ध्यान से समझिए लोगों के, अगर हमने इस बात को पकड़ा तो आप दुनिया में कुछ बेच सकते हैं। मुझे क्या पता था मुझे क्या बेच रहे? क्वीन ऑफ हार्ट्स। इसके बारे में मुझे क्या क्या पता था? ये लाल रंग की है, क्वीन है और हार्ट निशान है, ये बातें पता थी मुझे, क्लियरिटी थी। तो जब मैंने इनसे पूछा लाल और काले में से कौन सा रंग चुनोगे, इन्होंने क्या चुना था? ब्लैक। मेरे काम का था नहीं, मैंने कहा काले को साइड में रखो, लाल पे बात करते हैं। फिर उन्होंने दो रंग में से कौन सा चुना था? ईंट और हार्ट में से क्या चुना? हार्ट। मेरे काम का था? यस। मैंने कहा ईंट को बाजू में रख, हार्ट पे बात करते हैं। मेरे काम का ही ना भाई। तो सवाल तो मैं पूछ रहा हूं, तो कहीं से नहीं आएगा। फिर उन्होंने 6 पत्ते चुने, कौन कौन से? ए 3 I J Q K। मेरे काम के थे, क्यू आर एस में। यस। मैंने क्या कहा? ये चुने हैं, इनको हाथ में रखो, बाकी को बाजू में रखो, इन पे बात करते हैं। फिर उन्हें चुने 3 पत्ते, ए क्यू के। मेरे काम का है, क्यों आ गया उसमें? हाँ। मैं कहा उनको बाजू में रखो, इन पे बात करते हैं। अब 2 पत्ते उन्होंने कौन से चुने? ए और के। क्या मेरे काम का था? नहीं नहीं। मैंने कहा इनको बाजू रखो, बचा क्या? के। अब मान लो ये चुन लेते क्यू और के, तो मैं एक स्टेप और करता हूं, 2 में से कोई एक चुन लो। तो क्या था? के। मैंने कहा के बाजू रख, बचा क्या? क्यों? और ये आखिरी में कहते थे क्यों, तो मैं कहता आखिरी पत्ता कौन सा चुना? क्यों? 2 में मिली, 2 में मिली। भाई तू कहीं से आ जा, क्योंकि
क्योंकि मुझे पता है बेचना क्या है. So if you know the answers, if you know your product well, if you know the other person, और आपने प्रिपरेशन कर रखी है तो आप कुछ भी बेच सकते हो सर. मैं रियल एस्टेट कंपनी में ट्रेनिंग देने गया. अब वहां जाने से पहले मैंने क्या सवाल पूछा अपने आप से उनको बेचने के लिए. वो सोहना रोड पे इन्वेस्टमेंट करवाते थे, सोहना रोड पर. तो मैंने सवाल ये नहीं पूछा शुड आई इन्वेस्ट ऑन सोहना रोड. मैंने गूगल से सवाल पूछा फाइव रीजंस व्हाई आई शुड इन्वेस्ट ऑन सोहना रोड. मुझे वो पांच कारण बता जिसके लिए यहां पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए. जब आप कहते हो कंपनी बैन, मतलब गवर्नमेंट बैन कर देगी, तो मैं सवाल पूछता हूं फाइव रीजन व्हाई गवर्नमेंट विल नॉट बैन क्रिप्टो करेंसी. और मुझे वो पांच कारण पता है जिसपे गवर्नमेंट कभी बैन नहीं करने वाली. मैं बात ही वहीं पे करूंगा. एक बात याद रखिए, जंग वहां पे लड़ी जाती है जहां पे आप मजबूत हो. क्या बात है, जंग का असूल है सामने वाले को वहां पर खींच के लेके आओ जहां आपकी तैयारी है, और फिर तजुर्बे से हरा दो.